थाना सेवा मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैनपुरी पहुंचे। यहां जिला अध्यक्ष के आवास पर उन्होंने जिला अध्यक्ष के दिवंगत हुए पिता को लेकर शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं अमरनाथ सेवा मंडल का प्रसाद भी वितरण किया। गुरुवार के दिन श्री अमरनाथ सेवा मंडल के जिला अध्यक्ष तिगेंद्र मिश्रा मीतू के आवास पर अमरनाथ सेवा मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सिंगल अपनी पत्नी सुमन सिंगला व निसिंग शाखा के मनीष कुमार के साथ पहुंचे, जिन्होंने मीतू मिश्रा के पिता डॉक्टर हेमचंद मिश्रा के निधन पर सबसे पहले शोक प्रकट कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की, जिसके बाद बाबा बर्फानी का प्रसाद वितरण किया। उन्होंने यहां भक्तों को बताया कि कोरोना काल में भी सिंगला दंपत्ति बाबा बर्फानी के दर्शन व आरती में सम्मिलित होते रहे थे। विजय सिंगला ने जानकारी देते हुए कहा है कि कश्मीर में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन के बाद इस वर्ष अमरनाथ यात्रा अधिक उत्साह और धूमधाम से आयोजित होनी थी, लेकिन कोरोना काल के चलते सभी तैयारियां फीकी पड़ गईं। लगातार दूसरी वर्ष भी भक्तों को दूरदर्शन पर ही सुबह और शाम दोनों समय लाइव आरती के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने यह भी बताया है कि उम्मीद है कि अगली वर्ष बाबा की यात्रा जरूर होगी। सभी लोग उत्साह के साथ इस यात्रा में आमंत्रित हैं। इस अवसर पर शिवनंदन, डॉक्टर सीपी तिवारी, दिनेंद्र मिश्रा, दीपू मिश्रा, रामगोपाल दीक्षित, सुधीर तिवारी, शिवम पाठक, विपिन मिश्रा, नवनीत दुबे, अमित राजपूत आदि लोग मौजूद रहे। बड़ी चीज ये, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। श्री मन्ना सेवा मंडल मैनपुरी का जिला अध्यक्ष बने भैया 3 साल हो गए, और पिछले 2 साल से यात्रा भी नहीं हो पा रही है, न भंडारे के लिए हम कोई कलेक्शन करके भेज पाए हैं मैनपुरी से। उसके बाद ही लगातार प्रसाद हमारे पास पहुंच रहा है। बाबा की बहुत अपार कृपा है, किस साल भी घर बैठे बाबा का प्रसाद हमें पुनः प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं अपनी पत्नी सहित आज मेरे घर पे आए, पिताजी की के लिए भी शोक संवेदना उन्होंने व्यक्त की और प्रसाद भी दिया। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और क्या कुछ बता के गए मैनपुरी वालों, क्या संदेश देखे गए मैनपुरी वालों के लिए? उन्होंने निवेदन करके गए हैं कि उम्मीद अगली वर्ष यात्रा